वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई? अफू भाई। हैं? अफू भाई बोल रहे ना? हाँ, मैं तो अफू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ अफू भाई। जी भाई, कुर्ला मुंबई से। जी, मेरा एक दोस्त ने आपका नंबर दिया था। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो लिंक भेजा यूट्यूब का। क्या उस मसले के बारे में जानना था मुझको। क्या मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको सीधे के हाथ बांधने की दलील भेजा था। तो उसने मुझको वो लिंक भेजा था और लिंक में वो बता रहे थे जो हदीस है उसका जो रावी है वो बराबर नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें जानना था आपको, इसलिए मैंने लिंक भी भेजा था और आपको मैंने मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, लेकिन आपने शायद अभी तक देखा नहीं है उसको। अगर आप वो चेक करके मुझे बता देंगे। क्या चेक क्या करना है? वो वीडियो देखिए, आप बताइए ना, वो जो बता रहे हैं जो हदीस के बारे में बता रहे हैं तो उसमें क्या सच्चाई होती है, उसमें किसकी सच्चाई है मतलब। जी, क्या सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ? हाँ, मैंने, मेरा दोस्त है वो बरेली है, तो उसको मैंने ना अपने पास से एक हदीस भेजा था कि सीने पे हाथ बांधने की दलील ये है। तो उसने मुझे ना फॉरवर्ड किया था एक यूट्यूब से लिंक, मैंने उसको देखा तो वो जो वीडियो पे जो वीडियो बनाया था जो बंदे ने, वो कुछ बता रहा था कि जो रावी है उसका बताने वाला हदीस को बयान करने वाला उसका वो बराबर नहीं है रावी। तो वही मसले में मुझे आपसे जानना था जब कितना जो भी जाहिल आपसे कह रहा है कि वो जो रावी है वो बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उससे कह दीजिए नाप के नीचे हाथ बांधने के जो रावी हैं क्या वो सारे के सारे एकदम मेरे भी बराबर हैं? नाप के नीचे हाथ बांधने की इस पूरी मेरे भाई कायनात में दुनिया भी एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है कि नाप के नीचे नमाज में हाथ बांधना चाहिए। एक भी सही हदीस नहीं है। टोटल मेरे भाई 38 हदीसें आती हैं और 38 की 38 हदीसें सब मेरे भाई अइमा के नजदीक, ठीक है, मुहद्दिसीन के नजदीक सब की सब मेरे भाई ज़ईफ हैं। एक भी सही हदीस नहीं है। और रही बात सीने पे हाथ बांधने की, एक उसूल हमेशा याद रखिए, मुकल्लिद को कभी सीने पे हाथ बांधने की कोई दलील आपको नहीं देना है। सिर्फ उससे इतना कहना है कि जिस हदीस की बुनियाद पे तुम्हारी अम्मी जान सीने पे हाथ बांधती हैं वही हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी है। अच्छा, अब जाइए उनसे हदीस मांगिए कि तुम्हारी अम्मी सीने पे हाथ बांधती है उसकी हदीस। तो अब वो देखिए जिंदगी भर मन के कयास करता रहेगा कि नहीं वो हमारे इमाम ने कहा कि औरतों का सीना होता है तो वो सीने पे हाथ बांधे ताकि सतरपोशी हो, पर्दे की पाबंदी हो, वो दुनिया भर का मेरे भाई आपसे कयास करता रहेगा। तो उससे पूछना, अगर ये तुम्हारे इमाम साहब ने कयास किया है कि औरतें सीने पे हाथ बांधे तो इमाम साहब की जो अम्मी जानती अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वो कहाँ पे हाथ बांधती थी? और नबी की प्यारी बीवियाँ क्या नाव के नीचे हाथ बांध के पढ़ती थी नमाज माजल्ला, जो बाद में आपके इमाम साहब ने औरतों के हाथों को ऊपर किया? दलील क्या है औरतों के सीने पे हाथ बांधने की? क्योंकि जो मेरे भाई दलील औरतों के सीने पे हाथ बांधने की है वही सेम दलील मर्दों की भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मर्दों के दोनों के इमाम थे और दोनों के नबी थे, दोनों के रसूल थे और दोनों के लिए नमूना थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा सल्लु कमरे तुम उन्नी, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो, तो ये औरतों मर्दों को दोनों को नबी के जैसे नमाज पढ़ना है। भाई जो फरिश्ते थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली आदमियों की नमाज बता दी, औरतों की नहीं बताई क्या? माशाल्लाह, बताई, एक ही नमाज है, वही मर्दों की वही औरतों की है, दोनों की नमाज की जो बेसिक चीजें हैं वो सेम है, मसले मसाल में फर्क है। अच्छा, एक और चीज पूछना था, अपने जो नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं हम, उसमें ना कल एक्चुअली मेरे दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज।
अर्जुन, सूर्य अल बकरा, सूर्य नंबर 2, आयत नंबर 156। तो मेरे दोस्त तो है अहले हदीस ही, लेकिन थोड़े वो जाहिल टाइप में, मतलब दीनदार नहीं है। तो उन्होंने जो वालिद साहब के जो दोस्त लोग थे वो देवबंदी थे, तो उन्होंने अपने मौलाना को बुलाया और नमाज पढ़ाए। उन्होंने बाकायदा नमाज से पहले ऐलान किया कि पहली नमाज में, पहली तकबीर में सना पढ़ी जाएगी, दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ी जाएगी, तीसरी तकबीर में दुआ की जाएगी मैयत के लिए, और चौथी में सलाम फेरा जाएगा। और वो हिसाब से उन्होंने 2 मिनट में खत्म कर दी। तो उनकी नमाज से जनाजा तो हुई नहीं, क्योंकि सिर्फ आते उन्होंने पढ़ी नहीं, तो अब उनके लिए अभी पढ़ सकते हैं क्या वापस से नमाज? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये बात आती है बुखारी शरीफ में, और चैप्टर का नाम है अल अजान, और हदीस का नंबर है 756। जिसने नमाज में सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब सवाल आता है जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के ताल्लुक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है किताबुल जनाइज, और हदीस का नंबर है 1335। उसमें आता है तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज कौन सी पढ़ी? नमाज जनाजा पढ़ी। तो आप इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़ाई और फरमाया कि मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम जान लो कि ये सुन्नत है। तो कौन कह रहा है? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो खुद नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम जान लो ये सुन्नत है। और जब कोई सहाबी अपने अमल को ये कहता है कि ये सुन्नत है, तो इसका डायरेक्ट माना होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। तो ये गोया ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना। अब कोई हनफी अगर मेरे भाई नमाज जनाजा में सूरह फातिहा ना पढ़े, क्योंकि हनफियों के वहाँ सूरह फातिहा नहीं होती नमाज जनाजा में, तो उनकी तो नमाज ही नहीं हो रही है जनाजे की। तो अब अगर कोई आपको लगता है कि भाई उन्होंने मतलब जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम उनके लिए अलग से नमाज पढ़ लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं ना? हाँ, घर में ही पढ़ सकते हैं ना, कब्रिस्तान जाने की वापस जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, घर से ही पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए आपको कब्रिस्तान जाने की या कब्र के बिल्कुल सामने खड़े होने की कोई जरूरत आपको नहीं है, घर से। वो देखिए, नमाज जनाजा एक मेरे भाई दुआ है मैयत के लिए, आप उसको घर से भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, कोई उसमें है। बस एक मसला था और जानना था मुझको। चलिए, और कह रही था ना, वहाँ कैसे चल रहा है सब बीमारी का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कुछ केसेस तो नहीं है ना आपके इधर? हाँ, अभी इलाहाबाद में एक की मौत हो गई है कोरोना से। हाँ, यहाँ तो मुंबई की तो हालत बुरी चल रही है। जी जी भाई, न्यूज़ में देखते रहते हैं बस। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को साथ कैरियर से रखे, हमारी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा। चलिए, वालेकुम अस्सलाम।